हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये HP 1005 प्रिंटर है और इसमें जैसे ही जेरोक्स या प्रिंट देते हैं तो इसकी लिफ्ट बिल्कुल भी ऊंची नहीं हो रही, बिल्कुल काम नहीं कर रही। देखिए दोस्तों, अभी जेरोक्स करी है लेकिन इसकी लिफ्ट नीचे रह रही है, ऊपर नहीं हो रही है और इसमें डिस्प्ले में इस तरह का मैसेज आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस प्रिंटर को खोलेंगे और चेक करेंगे किस कारण से इसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही, तो इसको खोलते हैं। अब इसमें फिर से जेरोक्स करके चेक करेंगे। जैसे जेरोक्स का बटन दबा दिया है और देखिए दोस्तों, अभी प्रिंटर घूमेगा लेकिन ये वाला गियर घूमेगा नहीं। इसका जो मैग्नेट है वो भी काम करेगा लेकिन ये गियर नहीं घूमता इसमें। तो यहाँ से करते हैं जेरोक्स। ये जेरोक्स वाला बटन दबाने के बाद प्रिंटर चलेगा। तो प्रिंटर घूम चुका है लेकिन देखना दोस्तों, इसकी मैग्नेट भी काम कर रही है लेकिन वो क्लच गियर काम नहीं कर रहा इसका, इस कारण से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको खोलते हैं पीछे की पिकअप असेंबली को और इसका क्लच गियर को भी चेक करते हैं। इस तरह से दोस्तों, इसकी जो पिकअप असेंबली है ये बाहर निकल चुकी है। अब इसमें जो ये क्लच गियर है इसका, ये चेंज करना पड़ेगा। क्लच गियर और ये क्लच ड्राइव गियर, दोनों गियर चेंज करने पड़ेंगे। तो इसमें इस बुक गियर को इस तरह से निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ पर लॉक है तो इस तरह से गियर निकल जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये गियर है तो ये अंदर से यहाँ से घिस जाता है, इस जगह से घिस जाता है, इस कारण इसमें प्ले आ जाती है। तो ये दोनों गियर आपस में टच सही तरीके से नहीं होते, इस कारण से क्लच गियर नहीं घूमता। और फिर इसके क्लच गियर को भी बाहर निकालेंगे। इसका भी जो स्प्रिंग का दबाव है वो कमज़ोर हो चुका है, इस कारण से वो भी सही से काम नहीं कर रहा, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से ऊपर के लोकों को इस तरह से पकड़ के और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से बाहर निकल जाएगा इसका क्लच गियर। इस क्लच गियर की जगह दूसरा नया क्लच गियर लगाएंगे। तो ये नया क्लच गियर है, इसमें स्प्रिंग की लपक है वो अच्छी तरह से है, उसमें इसकी स्प्रिंग की लपक कमज़ोर हो चुकी है, इस कारण से सही काम नहीं कर रहा था वो। अब इसमें ये वाला नया क्लच गियर लग सेट कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से क्लच गियर सेट हो चुका है। अब इसमें जो क्लच ड्राइव गियर है ये भी चेंज करेंगे। तो ये तो पुराना है और ये नया क्लच, ये पहले तो इसमें स्प्रिंग लगा लेते हैं और फिर ये क्लच ड्राइव गियर को भी नया लगा देंगे और इसको भी चेंज कर देंगे। इसके साथ में रहता है दोनों ये, तो इस तरह से दोनों गियर लगा देंगे।
दोनों गियर लग चुके हैं, अब इसको वापस सेट करेंगे। अब दोस्तों इसमें पावर केबल लगाकर टेस्टिंग करते हैं, तो इसमें कागज़ लगा देंगे और जेरोक्स निकाल कर चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों आसानी से पेपर और पिकअप कर लिया इसने, पिस्टन निकाल कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नया क्लच गियर और क्लच ड्राइव गियर डालने के बाद प्रिंटर सही तरीके से काम कर रहा है। एक बार ज़्यादा पेपर लगाकर और ज़्यादा जेरोक्स भी निकाल कर चेक करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों एक के बाद एक पेपर को लेता जा रहा है प्रिंटर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आसानी से पेपर पिकअप कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।